अरे वाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल मम्मी। बस बस बस, प्लीज हैव अ सीट मम्मी। हाँ बस आगे आगे बसो, टू रेस्ट करो। मम्मी आई हुई है एंड मम्मी ये मेरे को बना के दी है मटन का लेग का जूस ना मम्मी, जो बहुत अच्छा होता है जॉइंट के लिए, मतलब अगर बोन्स में आपका क्रैक हुआ है या जो भी हुआ है इस टाइप का फ्रैक्चर काइंड ऑफ थिंग, तो ये जूस आपको बहुत हेल्प करता है। तो मम्मी आई है ये वाला लेके, मैं एंड मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों ये पी रहे हैं। एंड मिलिए मम्मी से, हेलो बोल दीजिए मेरे फ्रेंड्स को। चलिए टेडी बियर को था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब लड़की। और आई एम लिटिल बिट बेटर इन द सेंस, मुझे पेन तो हो ही रहा है बट पहले से थोड़ा कम हुआ है, बट आई डोंट नो ये इम्प्रूव मैं कर रही हूँ कि नहीं, मेरा एंकल इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, वो तो पता चलेगा 13 दिसंबर को मैं जब डॉक्टर के पास फिर चेकअप कराने जाऊँगी, उसके बाद ही पता चलेगा। मम्मी मेरे घर आई हुई है एंड मम्मी मेरे लिए चिकन बना रही है, तो आज के व्लॉग में मैं चिकन का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मेरी मम्मी बना रही है। एंड मेरे रेसिपी तो आपने बहुत बार देखा होगा, आज मेरा मम्मी का रेसिपी आप देख लीजिए। बहुत ही हम लोग दोनों का रेसिपी एकदम ही सिमिलर ही है, बट चलिए आज आप मेरे मम्मी का चिकन बनाने का रेसिपी देख लीजिए, मैं आज वही शेयर करूँगी। तेल में मम्मी थोड़ा सा लाल मिर्च दे दी है एंड गरम मसाला में क्या था मम्मी, दालचीनी एंड लौंग था क्योंकि इलायची ख़त्म हो गया है। एंड देन ये प्याज दे दी है, ये हल्का सा फ्राई होने के बाद फिर मम्मी बाकी जो बटा हुआ मसाला है वो सब भी डाल देगी। और मैं आके बैठ गई हूँ किचन शेल्फ के ऊपर विथ माई ब्रोकन एंकल एंड पैर लटकाने तो डॉक्टर मना किया, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट दी हूँ। चलिए फिर अभी शेयर करती हूँ रेसिपी। मम्मी बहुत ही कम दी है, अब प्याज फ्राई हो गया है, मम्मी अब डाल दो ये सारा चीज। इसमें है अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, मैं यहाँ से मसाला मम्मी को दे देती हूँ, ये हेल्प मैं कर सकती हूँ। लीजिए मम्मी, धनिया गोलकी और जीरा और कोरिएंडर, और क्या चाहिए मम्मी, और तो कुछ नहीं, बस हो गया ना। कश्मीरी मिर्च भी है ना, वहीं पे था ना, कहाँ पे था देखिएगा, अच्छा और भीतर होते पारे ना झुड़ी के, है झुड़ी टा को ग्रीन ग्रीन ये कहीं है, कहीं तो छिलो ना एकटा झुड़ी, ओ झुड़ी टा नीचे रखा होला ना, ओ जो करना। अब इसमें नमक ज्यादा है, जीरा, धनिया पाउडर और एंड में गोलकी। चिकन डालने वाली है, ये सारा चिकन अब जाएगा इसके अंदर,
बड़ा पीसेस कटवा के पापा लाए हैं बिरयानी पीस। कढ़ाई थोड़ा सा छोटा पड़ गया है क्योंकि बड़ा बड़ा पीसेस है ना, और इससे बड़ा कढ़ाई और है भी नहीं, इससे बड़ा फिर है तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा जो मैंने विजय दशमी के टाइम बनाया था, विजय के टाइम। कोई बात नहीं, थोड़ा देर स्टार्ट करने के बाद ये अपने फिर छोटा हो जाएगा। आज का वेदर बहुत ही अच्छा है एंड किचन थोड़ा सा मिस है बिकॉज मैं तो कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ ना, एंड मम्मी आज है तो मम्मी कुछ कुछ पूरा किचन साफ कर देगी अच्छे से, शेल्फ वगैरह। और मैं सोच रही थी कि मेरा पैर ऐसे हो गया है, ब्लॉग कैसे बनाऊँ, कुछ कंटेंट तो आ नहीं रहा है, मतलब पूरी घूमने का प्लानिंग था वो तो हुआ ही नहीं, मैं आपको क्या ही व्लॉग बना के दिखाऊँ, दिन भर तो लेटी हुई हूँ, बेड रेस्ट किया, डॉक्टर बोला है बेड रेस्ट करने का, ऑब्वियसली बेड रेस्ट ही कर रही थी, मैं क्या ही आपको शूट करके दिखाऊँ। तो आज मम्मी आ गई एंड चिकन बना रही, तो ये मौका मैं कैसे छोड़ूंगी चिकन रेसिपी आप सबसे शेयर करने का। तो मम्मी बोली चलो आज मेरा शूट कर दो, मैं बनाऊँगी चिकन, वो तुम अपने फ्रेंड्स को दिखाना। तो मैं किचन के शेल्फ में एकदम बैठ गई हूँ, देखिए पैर ऐसे उठा के रख के, और मम्मी मेरी बना रही है चिकन। अब मम्मी डाल रही है इसमें गरम मसाला सनराइज का, तेल बहुत ही मम्मी कम देके बना रही है एंड बहुत अच्छा टेस्टी बनने वाला है आई एम श्योर। चिकन का सॉफ्ट होने का ट्रिक तो मैंने आपको बताया था पहले, एंड जिन्होंने मेरी वो ब्लॉग नहीं देखा है विजय दशमी वाला ब्लॉग, तो मैं अभी इसमें बता दे रही हूँ। चिकन को आप पहले हर मसाला के साथ पहले अच्छे से 10 मिनट फ्राई कर लीजिएगा बिना पानी के, एंड फिर उसके बाद जब 10 मिनट आप फ्राई कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा पानी, एकदम हल्का सा पानी दीजिएगा, मतलब आई गेस 1-2 चम्मच, ठीक है उतना ही पानी दे के ढक दीजिएगा, चिकन अपना ही पानी छोड़ देगा। तो ढक दीजिएगा 20 मिनट्स के लिए विदाउट कोई करछुल वर्छुल लगाए, कोई करछुल उसके बाद आप नहीं लगाइएगा, हाथा खुंती जो भी होता है वो सब आप वो 20 मिनट में कुछ नहीं लगाइएगा, सिर्फ चिकन को ढक दीजिएगा। आफ्टर 20 मिनट्स ही आप ढक्कन को हटा के फिर आप करछुल चला सकते हैं, खुंती चला सकते हैं चिकन के ऊपर। अगर आप खुंती लगा दिए बीच 20 मिनट्स के बीच में ही, तो आपका चिकन वैसे सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा, पूरा अंदर जूस वगैरह सब अच्छा से जाता है। फिर जब 20 मिनट्स बाद आप हटाएंगे वो ढक्कन को, उसके बाद 2-3 कप जितना आपको पानी देना है वैसा पानी दे के फिर आप ढक दीजिएगा 15-20 मिनट के लिए, एंड आपका चिकन एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने ये, मेरी मम्मी भी मेरा यही वाला टेक्निक फॉलो करती है, एंड मम्मी तो इम्प्रेस हो गई है मेरा ये टेक्निक से, एंड मम्मी जब चिकन बनाती है अब एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनता है, बहुत यम्मी, एंड मसाला सब उसके अंदर घुस जाता है और अच्छा लगता है। अब मम्मी इसमें डालने वाली है कश्मीरी मिर्च, बस हो गया। मन कर रहा है ऐसे ही खा ले, मम्मी इसमें डालने वाली है हल्का सा पानी, बस इतना ही, बस ठीक है। अब मम्मी इसको हल्का सा करछुल चला के फिर इसको ढक देगी गैस को सीम करके। हो गया,
हाँ इसका ढक्कन तो कहाँ है? मेरे किचन में क्या नहीं, क्या है क्या नहीं है, मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी को पता है। अब ढक दी है मम्मी, अब ये बंद। इसको गैस को सिम है ना? हाँ गैस सिम है, इसको अब 20 मिनट ढके रहेगा, कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। 20 मिनट्स हो गया है, अभी मम्मी ढक्कन को हटाएगी एंड देखते हैं। वाह देखिए कितना पानी चिकन छोड़ा है, आप देखिए कि कितना कम हम लोग पानी दिए थे, ये पूरा पानी चिकन छोड़ा है। ये देखिए स्मेल इतना अच्छा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि कितना अच्छा मस्त वाला एक स्मेल आ रहा है। नरम हो गया ना चिकन, एकदम नरम हो गया है। पानी दे दे रही हूँ, इस टाइम में आपको जितना ग्रेवी थिक रखना है या सेमी ग्रेवी टाइप का रखना है या थोड़ा ज्यादा ग्रेवी वाला रखना है तो आप अपने हिसाब का पानी डाल के इसको फिर 10 से 15 मिनट के लिए ढक दीजिएगा एंड आपका ये चिकन बनके तैयार हो जाएगा। अब मम्मी चिकन को ढक दे रही है, बस हो गया है, फिर से सिम कर देगी मम्मी। सिम करके फिर से आप 15 मिनट्स के लिए रखिएगा। गाइस सो 15 मिनट्स हो गया है, इसको मैं अभी हटाती हूँ। मम्मी नींबू काट रही है इसलिए मैं अब हैंड ओवर ले रही हूँ। बहुत सॉफ्ट हो गया है चिकन हमारा, अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स फ्रेशली चॉप्ड। बस डन हो गया हमारा चिकन तैयार। अब इसको ढक के गैस को आप कर दीजिएगा बंद। हल्का सा गोलकी पाउडर भी लास्ट में मैं छिड़क दूंगी। बस हो गया, चिकन इज रेडी। ना 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 পরে যখন দেবে না তখন লাগবে। খানা পরোস রই হ্যাঁ মম্মি অভি চিকেন সার্ভ হ্যাঁ আঁখি নেকপিস হ্যাঁ বাস এটা নিয়ে নি না হ্যাঁ ওই রাতে খাবে ছাড়ো না এটা রাখো দু পিস এখন দাও এনি খেয়ে নেবে তোমার লুকটা দেখায়। আরে জলদি আসো আমার টাইমিং শেষ হয়ে যাচ্ছে। मेरी छोटी मामी आई है मेरे से मिलने, ये देखिए हमारी घर की सबसे सुंदर मामी। ये है सबसे सुंदर। अरे लाइट तो बंद करो बेटा, ताला बंद कर आज से। ठीक है ना मेरा बेटा और ये मेरी प्यारी सी भगनी। देखिए मेरी भगनी गई थी पूरी घूमने बेचारी एंजॉय करने, लेकिन उसका पूरा ट्रिप अधूरा ही रह गया, पैर उर तोड़ ताड़ के आ गए समुंदर में जाके, एंजॉय नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाके फुल एंजॉय करके आएंगे। हाँ फिर से चले जाएंगे एकदम, क्या एकदम जाना और जल्दी जल्दी ठीक हो जाना। ठीक है अगर नहीं देखे तो फ्रिज को ऐसे ही बंद कर देना है। मुझे कुछ देख गया है दूध, तो ऑब्वियसली होगा ही आपके घर में। दूध
आप निकाल लीजिए। Morning everyone and welcome to this Ashes match. I'm Arthur Slade and back again, it's James Taylor. Hey Slade. तो गाइज मेरी छोटी मौसी पुचनू एंड मेरी मम्मी मेरे पापा जो कि अभी तक सोए हुए हैं ये लोग अभी निकल रहे हैं एंड खाना पीना सब हो गया। मामी चिकन लाई थी, गुड़ेर रसगुल्ला लाई थी और एक तो सब्जी लाई थी मटर का, है ना, एप्पल और एप्पल। और मम्मी भी यहाँ पे चिकन बनाई थी, इतना चिकन हो गया। कैसा लगा तुम लोगों को इतना इतना चिकन? हाँ पापा मेरे चिंगड़ी मछली भी लाए हैं। हाँ वो पूरा नॉनवेज पार्टी हो गया ना आज। देखने आए, उसके बाद खाना पीना खाते जा रहे हैं हम लोग। और बहुत ही अच्छा लगा इसका टाइम स्पेंड किए थोड़ा सा हम लोग। डेली तुम ऐसे ही आ जाना, डेली आ जाना, हम तो चाहते हैं डेली। तो मैं रोज तुम्हारे साथ। और जैसे व्लॉग ऑन होता है मेरी मम्मी तो एकदम ही शांत हो जाए, शांत। मामी का कहानी बता रहे, बचपन से मेरी मामी एंड इनकी बहन रिंकी दी ये लोग ही मेरे को बड़ा देखा जाए तो बड़ा की है। क्या मेरी मम्मी स्कूल में पढ़ाने जाती थी, टीचर थी मम्मी, तो मेरी मामी और रिंकी दी इनकी बहन छोटी बहन आके बोलती थी कि दीदी हम ना आपका बेटी को लेकर जा रहे, ये बहुत प्यारी थी। हाँ और तब से मेरे छोटे मामा फिर तब देखे कि मामी को, मतलब तब से मिले ना। हाँ तो लव मैरिज हुआ मेरे छोटे मामा एंड मामी का। फाइनली शादी हो गया, मेरी नानी भी बहुत खुश थी, नानी बहुत पसंद की, हम लोग सब हम लोग सबकी पसंदीदा है ना मामी मेरी छोटी। चलो फिर बाय कर दो मेरे सब्सक्राइबर्स, फिर मिलेंगे, अगेन सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में फिर आऊंगी। हाँ फिर सब लोग मिल लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कभी ना हम लोग बाबू मामू की बाय, सब अच्छे रहिए, सब मस्त एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर से जरूर। प्रियंका के चैनल को आप सभी जो देख रहे हैं एंजॉय कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, और सबको प्रे कीजिए कि प्रियंका बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। मेन इसका जो है अभी वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यस ओके बाय बाय बाय।